हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन अपन ब्लड देखते हैं। ब्लड में सबसे पहले अपन क्या दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा होता है, एक होता है कौन सा पार्ट, सेल्स वाला पार्ट। तो सेल में कौन कौन सा हो जाता है अपन का, RBC WBC प्लेटलेट्स वगैरह हो जाते हैं, और अलग आ जाता है अपन का प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में मेन क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन के अलावा अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाता है, आयंस वगैरह, ठीक है। तो अपन को इस वाले टॉपिक में देखने हैं सर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने होते हैं प्लाज्मा में, तीन होते हैं, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अब प्लाज्मा को अपन क्या निकाल के एक सीरम बना लेते हैं। सीरम में क्या रहता है अपन बताते हैं कि सीरम कभी भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता, मतलब उसमें क्या नहीं होता है, फाइब्रिनोजन नहीं होता है। इस वजह से उसमें सिर्फ क्या बचता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बचता है, किसमें, सीरम में, ठीक है। तो इसलिए एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को क्या बोल देते हैं अपन, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, जबकि फाइब्रिनोजन कैसा रहता है, अलग रहता है उससे, ठीक है। सिर्फ वो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन तीन टाइप के रह गए। अब इनकी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो 6 से 8 ग्राम पर डेसी लीटर होता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें अलग अलग देखें तो सीरम एल्ब्यूमिन 4.7 सबसे ज़्यादा पाया जाता है ग्राम पर डेसी लीटर, सीरम ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम पर डेसी लीटर, और फाइब्रिनोजन जो पाया जाता है 0.3 ग्राम पर डेसी लीटर। तो इनके अलग अलग इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में पाया जा रहा है, ठीक है। अपन देखेंगे सबसे पहले इसके फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे पहले देख रहे हैं अपन रोल एंड कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन में अपन को पता ही है कौन मेन रोल निभाएगा, फाइब्रिनोजन। क्यों, क्योंकि ये कैस्केड में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग के कैस्केड जो होता है उसमें फाइब्रिनोजन इनएक्टिव से एक्टिव में बदलते हैं, जो अपन आगे देखेंगे। फाइब्रिनोजन इज एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, देखिए ये जितना मैंने लिखा है ना उतना ही आप यूनिवर्सिटी में लिख के आइए, इससे ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि 2 से 2.5 पेज इसमें कम लिया है, मतलब इतना ही आप लिख के आएंगे ना तो इसको आपको सफिशेंट नंबर दे दिए जाएंगे। किसी को 5 नंबर नहीं मिलते यूनिवर्सिटी में, आप कितना भी अच्छा लिख के आए, 4, 4.5, 3 तक सीमित रहते हैं, ठीक है। तो आप इतना भी लिख के आ रहे हैं, इतना लिखेंगे, 2 पेज का, 2 या 1.5 पेज का लिखेंगे तो अपन को दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी टाइम लगेगा, क्योंकि पेपर करते टाइम टाइम का भी ध्यान नहीं रहता है, टाइम भी बहुत जल्दी निकल जाता है। आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लिख रहे हैं, किसी में कम लिख रहे हैं, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिख के आए, आपको सफिशियंट नंबर मिलते रहेंगे। रूल एंड डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट कौन काम करेगा। तो ग्लोबुलिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडीज। तो ग्लोबुलिन जो होती है मेनली होती है गामा ग्लोबुलिन, कौन सी, गामा ग्लोबुलिन, ये मेन का काम करती हैं अपन की एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं, और एंटीबॉडीज़ की तरह काम करके कर देती हैं अपन के अंदर जो भी एंटीजन आया हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या उनको एनगलप करके उसको खा जाती हैं, ठीक है, या उसको नष्ट ही कर देती हैं। रोल एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस इन ब्लड, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड एंजाइम। तो इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन होता है, अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। बहुत सारे हार्मोन वगैरह ये इन्हीं के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इंटर सेलुलर या जो सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट पाया जाता है उसके बाहर बन के ये पहुँच जाते हैं। तो इनमें देख, एल्ब्यूमिन जो होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन जो होता है वो मेनली बाइल सॉल्ट्स वगैरह भी इसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये जो अपन की प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करती हैं, कैसे, क्योंकि अपन का प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन इजीली एंड रिमेन इन द ब्लड एग्जर्ट द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या ये ब्लड में ही रह रही हैं, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ही हैं ये पूरे के पूरे, इतने बड़े बड़े पोर्स नहीं हैं अपने ब्लड वेसल्स में कि बाहर निकल पाएँ, तो क्या रहेगा, इधर का वाटर इधर आएगा, क्योंकि सॉल्यूट के कहाँ पे हो गया अपन के ब्लड वेसल्स में ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड एसिड एंड बेस। तो प्लाज्मा प्रोटीन पार्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस द एसिड बेस बैलेंस वर्किंग एज बफर। तो एल्ब्यूमिन मेनली काम करता है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा पाया जा रहा है, और अपन को पता है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन मीन्स करके बने हुए हैं अपन के अमाइनो एसिड से, अमाइनो में बताता है अपन के अमाइनो ग्रुप पाया जाता है और कार्बोक्सी ग्रुप, तो ये एसिड की तरह काम करता है, एक बेस बेस, तो इस तरह से ये क्या कर देती है अपन के एसिड बेस बैलेंस में भी काम करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं रोल इन एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। तो एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट कहलाता क्या है, क्या सबसे पहले क्या होते हैं इसमें रोलेक्स फॉर्मेशन होते हैं, रोलेक्स एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन में सेडिमेंट हो जाना, मतलब नीचे की तरह जम जाना, किसका, एरिथ्रोसाइट का। तो वो कितनी तेजी से जमते हैं टाइम के रिलेशन में, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। अभी होता किस वजह से है, वो होता है रोलेक्स फॉर्मेशन। तो वो क्या होता है अपन देखते हैं, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन एक्सेलरेट द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन बाय द ब्लड
बाय द ब्लड सेल्स। रोलेक्स फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ESR मतलब एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट के लिए। तो रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब RBC इसका सिक्के की तरह ऐसे जम जाना क्या कहलाता है रोलेक्स फॉर्मेशन। और जब रोलेक्स फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो देखिए RBC बहुत सारी इकट्ठी होने लगी है तो एक जगह जमना शुरू हो जाएंगे, सेडिमेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। अब ये क्या 1 आवर, अब टाइम कैसा हो सकता है, टाइम के रिलेशन में देते हैं तो 1 आवर के रिलेशन या 1 घंटे के बाद देखते हैं कि कितना इसका हुआ। तो ये अपन को प्रैक्टिकल में भी मिलेगा कि एट द एंड ऑफ 1 आवर एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन इज दैट, तो ऐसे उधर भी काम आ जाता है। तो ये कौन करवाता है, कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन ही करवाती है। ठीक है, रोल इन रिजर्व प्रोटीन एज रिजर्व प्रोटीन। अब रिजर्व प्रोटीन क्यों, देखो क्या होता है स्टार्वेशन के टाइम पे सबसे पहले ग्लूकोज प्रोवाइड करता है एनर्जी, फिर उसके बाद फैट वगैरह होता है और एंड में बचता क्या है, प्रोटीन ही बचता है। तो ये एनर्जी के टाइम पे भी काम करेगा। ड्यूरिंग फास्टिंग द प्लाज्मा प्रोटीन आर यूटिलाइज बाय द बॉडी टिश्यू एज द लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी ये यूटिलाइज हो जाता है। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड विच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली ये अंदर ब्लड ब्लड में पाई जा रही हैं तो क्या करेंगे, विस्कोसिटी तो बढ़ाएंगी, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये उसे विस्कोसिटी से वजह से मेनली ब्लड प्रेशर ही बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना ये हो गया अपन के पास, इतने फंक्शन आपको लिख के आनी है सफिशेंट ही यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड लाइक, थैंक यू गाइज।